हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी स्टॉक के बारे में बात करने वाला। ये स्टॉक जो है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हैंडल करती है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैंडल करती है और सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड, मतलब ये सॉफ्टवेयर ही कंपनी है। ये सब गवर्नमेंट का एजुकेशन से रिलेटेड ये सब प्रोजेक्ट ये कंपनी हैंडल करती है। तो अगर बात करते चार्ट पैटर्न से, तो चलिए चार्ट पैटर्न से देख लेते हैं क्या उसका बेस्ट एंट्री पॉइंट रहता है, टारगेट निकल के आता है, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो क्या वो वर्थ इट रहेगा और क्या उसका डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है। तो चलिए एक बार चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा आप लोग देख सकते हो, कंपनी का नेम है कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। कंप्यूसॉफ्ट करके कुछ इसका जो कोड है, NSE में लिस्टेड स्टॉक है। वर्ल्ड का चार्ट खुला हुआ है आज। ये स्टॉक मतलब ओपनिंग प्राइस पे क्लोजिंग हुआ है स्टॉक, और अभी फिलहाल ये स्टॉक अराउंड 14 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग कभी भी 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ के आसपास मिलते हैं तो आप लोग बाई करके आराम से चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन क्या पता 3-4 महीने बाद मिले या 5 महीने बाद मिले, तो एक बार उस टाइम का फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेना कि कंपनी प्रॉफिट दे रही है या लॉस मेकिंग है। तभी आप लोगों को फंडामेंटली भी ओके लगता है तो ये बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा स्टॉक के लिए। और फिलहाल अब मुझे लगता है ये कंपनी 13.85 रुपीज़ के आसपास जो सपोर्ट एरिया है उससे टच होकर फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि और चांसेस तो ज़्यादा है नीचे जाने के लिए। लेकिन ऊपर की तरफ जो ड्रैग है मुझे वो देखकर लग रहा है कि पर्सनली मुझे हो सकता है चांसेस ज़्यादा है नीचे जाने के लिए। बाई मत करना, मैं बोल रहा हूँ बाई मत करना, पहले देख लो किस तरफ जा रहा है कंपनी का, ये स्टॉक किस तरफ भाग रही है, उसके बाद बाई करना। क्या पता नीचे की तरफ भाग रही है कंपनी, मुझे पर्सनली लगता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल ये चार्ट बोल रही है वो बोल रही है कि नीचे जा रहा है। क्योंकि अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, उसका जो लो है वो एवरेज सेम ही है, लेकिन उसका जो हाई है वो लगातार गिर रहा है। वो मतलब नीचे ही जाएगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे ही होगा, क्योंकि सेलर्स इतने स्ट्रांग हैं वो स्टॉक को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन उसका बहुत ही कम चांस है अगर आप लोग फंडामेंटली देखते हो तो। ये मैं इमोशनली बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, फंडामेंटली अगर इमोशन लेस देखते हो तो ये नीचे जाएगा। तो अगर आप लोग को ऊपर जाए या नीचे जाए उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर ये स्टॉक, मैं बोल देता हूँ, अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो आप लोग 10.5 पर 11 रुपीज़ के आसपास बाई करके चल सकते हो। अगर उससे भी नीचे जाता है तो 8 रुपये के आसपास लेवल्स निकल के आता है। एक सेकंड, मैंने ड्रॉ करना भूल गया, सॉरी गाइस। अगर आप लोगों को इससे तो नीचे जाएगा ही जाएगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट विदाउट इमोशनल ट्रेडिंग, नीचे इससे नीचे जाएगा। अगर इससे भी नीचे जाता है, ये वाला लाइन इससे भी नीचे जाता है तो बाउंस बैक करके फास्ट टारगेट निकल के आता है। बाउंस बैक के टाइम बाई करना और फास्ट टारगेट निकल के आता है अराउंड 11 रुपीज़, सेकेंड टारगेट अराउंड 14 रुपीज़। अगर मान लो कि यहाँ से ही बाउंस बैक कर, यहाँ से ही ऊपर चला गया, जो मुझे पर्सनली लगता है जा सकता है कंपनी, तो फर्स्ट टारगेट अराउंड 17 रुपीज़ के आसपास निकल के आता है, सेकेंड टारगेट 21 रुपीज़ के आसपास निकल के आता है। और अगर मान लो ये नीचे गिर गया और यहाँ से बाउंस बैक हो गया तो बाउंस बैक के टाइम आप लोग बाई करके चल सकते हो 13-14 रुपीज़ के लेवल्स के लिए, और उसके बाद जो सेकंड लेवल निकल के आता है वो अराउंड 16 रुपीज़ के आसपास निकल के आता है। तो एक बार देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है कंपनी का, और उसके साथ साथ क्या कंपनी प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग है क्या। ये आप लोग देख सकते हैं NSE में खुला हुआ है, निफ्टी IT में लिस्टेड है कंपनी। हाई था 14.5, ऑलमोस्ट ये अपने हाई के आसपास ही मिडिल में क्लोज हुआ है, ज़्यादा हाई के आसपास भी नहीं, लो के आसपास भी नहीं, मिडिल में क्लोज हुआ है। आज ऑनली 50,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, लिक्विडिटी बहुत ही कम है, जिसका वैल्यू निकल करता है ऑनली 7 लाख रुपीज़। जो इसका 52 वीक हाई था वो हाल ही में ही टच हुआ है 11 जून में, जो और जो 52 वीक लो वो 5 नवंबर को। ये ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न देके जा रही है एक साल में कंपनी। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ नहीं पता। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है 232 क्वांटिटी है 13.85 रुपीज़ के लेवल्स में, 232 क्वांटिटी पेंडिंग ऑर्डर है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, ई गवर्नेंस प्रोडक्ट्स, ITC एजुकेशन प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT एंड मीडिया ट्रेनिंग, लर्निंग सॉल्यूशंस, विन पावर जनरेशन,
ये सब करती है कंपनी। मार्केट कैप अच्छा खासा निकल के आती है 110 करोड़ के आसपास का। ROCE 2.39%, ROE 1.53%, गूगल उसे काफ़ी सस्ते में मिल रहा है एंड इट्स ट्रेडिंग अराउंड दिस 52-week हाई कम्पेयर टू द 52-week लो। डिविडेंड 2.17% की देती है कंपनी। प्रोज एंड कॉन्स चेक कर लेते हैं कंपनी का। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग मेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट। एक सेकेंड, डिविडेंड में तो जीरो था, नहीं 2.17% था सॉरी गाइज, डिविडेंड पे आउट ऑफ 231, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी खासी कंपनी हो सकती है। इससे आप लोगों को कुछ नहीं करना है कि अर्निंग्स इंक्लूड, वो तो कंपनी का मैटर है, अर्निंग्स इंक्लूड वो होती रहेगी। अगर आप लोगों को लगता है तो इस स्टॉक को अवॉइड करके चल सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल रहती है कंपनी तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए पेनी स्टॉक मल्टीप्लायर होने के लिए। तो देख लेते हैं उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी फिलहाल तो लॉस मेकिंग है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर कंपनी कभी भी जो एक्सपेंसेस है वो सुधार लेता है ना, तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट देके जा सकती है कंपनी। कंपनी का लॉस तो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होते ही जा रहा है कंपनी। यही प्रॉब्लम है पेनी स्टॉक्स के साथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर रहता है। वहाँ पर डेट फ्री है, डेट भी रिड्यूस किया है, डिविडेंड भी देती है कंपनी, प्रॉफिट में आके ज़ीरो। अगर सब कुछ अच्छा होता कंपनी के बारे में तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 100 रुपये प्लस ट्रेड करता, ऑलमोस्ट 100 रुपये प्लस ट्रेड करता कंपनी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो रहेगा ही कंपनी में। नेट प्रॉफिट ये तो अदर इनकम की वजह से आया है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से यूज़ करना चाहते हो और अगर मान लो फंस गए तो ये पकड़ के चल सकते हो। अगर रियली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो ज़ीरो है, मतलब 2-5 साल ऐसे होल्ड करना चाहते हो तो कंपनी ज़ीरो है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस सेल्स में इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस फिर से वही का वही। अदर इनकम में तो जंप आया है, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है। अगर स्विंग ट्रेडिंग में मान लो आप फंस गए तो आपको 2-3 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा, 3-4 महीने या तो फिर 5-6 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा, तब ये काम आती है। लेकिन अगर रियली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो ये वाला चीज़ काम आता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काम में आता है। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। डेब्ट तो एकदम भी नहीं है, कंपनी इज रिड्यूस डेब्ट जैसे कि आप लोग देख सकते हो। चलो ठीक है, कुछ कैश फ्लो भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है कंपनी के पास। शेयरहोल्डिंग पैटर्न, गवर्नमेंट का स्टेक था पहले, लेकिन सितंबर 19 के बाद गवर्नमेंट ने अपनी स्टेक इंक्रीज कर दिया है। लेकिन प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, मतलब प्रोमोटर का भरोसा है कंपनी में कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी गेन लेके जा सकती है, या तो फिर कंपनी में कोई सुधार आ सकता है। पब्लिक में देख लेते हैं किस किस का पैसा लगा है। कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट का, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट फंड का भी लगा है इस कंपनी में। तो आप लोग अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो या तो फिर एक नॉर्मल सा अमाउंट मान लो 1000 या 2000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो कंपनी में 2-3 साल के लिए अगर चाहते हो, तो ज़्यादा बड़े अमाउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कुछ श्योरिटी नहीं है। लेकिन लगातार अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करते ही आ रहा है। 69 से 74 तक ये कंपनी इंक्रीज़ हुआ है, लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। 69.66 के 70.04, 71.44, 72, 73, 70 इंक्रीज़। यहाँ पर हल्का सा डिक्रीज़ हुआ था, डिक्रीज, लेकिन फिर से इसी स्टेट में आ गए ये कंपनी। DIIs का भी होल्डिंग है, FIIs का भी होल्डिंग है। FIIs ने रिसेंटली बाय करके चल रहा है इस कंपनी को, DIIs ने होल्डिंग कर दी ओनली 25%, मतलब 20% के आसपास जो रिटेल का पैसा है वो लगा है, ऑलमोस्ट सब लोग पकड़ के चल सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो 1000-2000 रुपये लगा के छोड़ सकते हो, जितना लॉस आप लोग बियर कर सकते हो। 100-200 रुपये मत लगाना गाइस ऐसे, तो एटलीस्ट 1000-2000 रुपये लगा के एक्स्ट्रा है तो 1000-2000 रुपये लगा के 2 या 3 साल के लिए आप लोग छोड़ के जा सकते हो। अगर होगा तो ज़ीरो होगा, नहीं तो 100 रुपये पार कर देगा पार स्टॉक 2-3 साल के लिए अगर छोड़ देते हो। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस,
एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, स्टे होम स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, बाय गाइज़।